हेलो हेलो फ्रेंड्स, अनबोर्डिंग एकेडमी पे स्वागत है। और बेटा, हम लोग जैनिज्म कवर करेंगे इस वीडियो में। बुद्धिज्म कवर कर चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कवर कर चुके हैं। जैनिज्म का भी ये वीडियो इस इरादे से बनाया जा रहा है कि आपका कम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना लटके इसी वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट ना। जैनिज्म दो पार्ट हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाता है। एंशेंट से अगर क्वेश्चन आता है तो इंडस वैली से आएगा या जैनिज्म से आएगा, बुद्धिज्म से आएगा। इसके बाद मौर्यन और गुप्ता दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों में इसके बाद कवर कर दूंगा तो आपका एंशेंट का काम खत्म हो जाएगा। संगम भी मैं कवर कर लूंगा, संगम जो है। ठीक है, तो जैनिज्म के हम लोग देखते हैं क्या क्या कहानी है जैनिज्म की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जैन के जो उनका ट्रेडिशन है उनके हिसाब से 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर जैसे समय समय के भगवान, एक तरीके से आप समझ लीजिए जो उस समय पे इनके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं जैनिज्म के। ठीक है, 24 जो हैं ये लोग गिनते हैं कि 24 हमारे तीर्थंकर आज तक जो हैं इस धरती पे जैनिज्म के आए हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन से हैं? ऋषभदेव, सबसे पहले ऋषभदेव हैं। और सबसे आखिरी कौन से हैं? महावीर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैनिज्म के सबसे पहले तीर्थंकर का नाम बताओ, चार नाम दे देगा, आपको सही नाम टिक करना है, उसमें से पहला नाम हो जाएगा, सही नाम हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में भी ऋषभा नाम का नाम आया है। यानी कि जैनिज्म ऐसा नहीं है कि महावीर से ही उत्पत्ति हुई है, इससे पहले से भी जैनिज्म एग्जिस्ट कर रहा था इनके ट्रेडिशन के अनुसार। ठीक है, नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर ऋषभा, ठीक है, और अरिष्ट नेरी, ये दोनों का नाम ऋग्वेद में भी आया है। यानी कि ऋग्वेद के टाइम से भी इन दोनों लोगों को, इन दोनों मतलब जैन के तीर्थंकरों को जाना जाता था। ठीक है, वी हैव हिस्टोरिकल प्रूफ, लेकिन हिस्टोरिकल प्रूफ जो है सिर्फ आखिर के जो दो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ और महावीर, 23वें और 24वें, उनके बारे में ही वर्णन है। हिस्टोरिकल प्रूफ, हिस्टोरिकल प्रूफ का बेटा क्या मतलब होता है? किसी का मंदिर मतलब मिल जाए, यहाँ पे उसकी मूर्ति मिल जाए, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिल जाए, उनके बारे में सत्यापन किया जा सके। जैसे कि गांधी जी का सत्यापन हो सकता है कि गांधी जी आश्रम में रहते थे, उनके आश्रम में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं किस लोकेशन पे वो रहते थे। इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल प्रूफ सिर्फ दो लास्ट के तीर्थंकरों के बारे में मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कहानी इनकी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, हर तीर्थंकर को एक सिंबल से जाना जाता था। ठीक है, एक फेवरेट सिंबल इनका होता था। जैसे कि ऋषभ का जो सिंबल था सबसे पहले होता बुल, आजीनाथ का था एलिफेंट, संभानाथ का था घोड़ा, अभानंदम का था मंकी, इस तरीके से 14 है। और कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिए, जैसे कि महावीर हो गए, महावीर का था शेर, पार्श्वनाथ का था लॉयन। ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? मैच द फॉलोइंग कॉलम के तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए महावीर के बारे में हम लोग देखते हैं। महावीर का जन्म 540 BC में एक गाँव में हुआ था, कुंदग्राम नाम के गाँव में हुआ था, जो कहाँ था? बिहार में स्थित था। उनके फादर कौन थे? सिद्धार्था थे, हु वाज द हेड ऑफ क्षत्रिय, एक क्लैन था क्षत्रिय क्लैन, उसके ये हेड थे जो वैशाली के अंतर्गत आता था, वैशाली के। त्रिशला इनकी मदर का नाम था, वाज सिस्टर ऑफ चेतका द किंग ऑफ वैशाली, यानी कि इनका राजशाही ताल्लुक था, ये भी राजघराने से संबंध रखते थे। जैसे कि बुद्ध जो हैं राजघराने से संबंध रखते थे, महावीर भी राजघराने से संबंध रखते थे। महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबसार द रूलर ऑफ मगधा, मगध। अब देखिए बिंबसार कौन सा डायनेस्टी की बात हो रही है, मौर्य डायनेस्टी, बिंदुसार, बिंबसार, इनके बात हो रही है। तो ये पूछ लिया जाए कि किनके समकालीन थे महावीर, महावीर किसके समकालीन थे? तो महावीर समकालीन थे बिंबसार के। ठीक है, डॉटर ऑफ चेतका, इनकी माँ का नाम चेतका के डॉटर से जोड़ा जाए। महावीर वाज मैरिड टू, इनकी शादी हो गई थी यशोदा नाम की महिला से, और एक पुत्री भी थी समरवीरा, जो यशोधरा जो है समरवीरा के राजा की पुत्री थी। ठीक है, और इनकी जो पुत्री का नाम था वो प्रियदर्शनी। ठीक है, हु वाज हस्बैंड ऑफ जमाली, ये नाम इंपॉर्टेंट है, जमाली नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महावीर के सबसे पहले डिसिपल, सबसे पहले शिष्य का नाम जो है जमाली था। महावीर ने सबसे पहला जो अपना प्रवचन है, जब इनको प्राप्त हो गया, अरिहंत बन गए ये, इनमें कहते हैं जब बुद्ध में निर्वाण मिलता था इसमें कहते हैं अरिहंत हो गए ये। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला जो अपना लेक्चर भाषण दिया वो जमाली नाम के दिया। जमाली कौन था? इनकी बेटी का हस्बैंड था, यानी कि अपने दामाद को ही अपना पहला शिष्य बना लिया था इन्होंने। ठीक है, एट एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट,
अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने परिवार छोड़ दिया और एक साधु संत वाली जिंदगी जीने के लिए और सच्चाई की खोज में ये निकल गए। उनका उनको साथ मिला किसका मक्काली गोशा नाम के आदमी का एक साथ मिला, जिसने बाद में आजीविका सेक्ट का बनाया। आजीविका सेक्ट इन लोगों ने मक्काली गोशा ने बनाया आजीविका सेक्ट इसी टाइम पे, सब साथ साथ के थे। अच्छा आप एक चीज समझो, इतने ढेर सारे सेक्ट इस वक्त निकल क्यों रहे थे? क्योंकि जैसे बेटा लेटर वैदिक पीरियड हम लोग ने पढ़ा है ना, तो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ढेर सारी बुराइयां आ गई थी। उस बुराइयों के कारण जो है हिंदुइज्म जो है इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा था। कोई भी नया धर्म तब निकलता है जब एग्जिस्टिंग धर्म में बुराइयां आ जाती हैं। तो उस वक्त के हिंदुइज्म में बड़ी बुराइयां आ गई थी। कौन कौन सी बुराइयां? सती प्रथा आ गई थी और जो है चाइल्ड मैरिज आ गया था, ठीक है, महिलाओं के साथ बहुत सारा भेदभाव होता था, जाति प्रथा का सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था, ठीक है, छूत अछूत की मामला आ गया था, इस तरीके से बड़ी ढेर सारी, जैसे महिलाओं को जो है संस्कृत पढ़ना अलाउ नहीं करते थे, उनको पवित्र टेक्स्ट अलाउ नहीं करते थे कि आप पढ़ो, ठीक है, बहुत ढेर सारी बुराइयाँ थी। तो उसी के विरोध में ये सारे धर्म का उत्पत्ति हो रहा था। एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में साल यानी साल के ट्री में ना जम्बिका ग्राम के एक गांव है, और कौन सी रिवर? रिजुपालिका नदी के तट पे इनको कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कि सत्य की प्राप्ति। जैसे मैंने कोर फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म बताया था ना, कोर फिलॉसफी ऑफ महावीर भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, आप बने रहो इस वीडियो में मेरे साथ में। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड ही वॉज कॉल्ड केवल्य प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इनका मानना यह था कि जो आपके बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म आपकी आत्मा से चिपक जाते हैं, इस वजह से आपको सत्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और उस प्राप्ति को पाने, उसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही साधु वाला जीवन, बहुत ही वैसी जो है सादा जीवन जीना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन में अभी हम लोग आएंगे तो मैं बताता हूँ नीचे में। ऑन हूज कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, जो अपने सेंसेस को जीत लेता है उसी को कैवल्य प्राप्त करना कहते हैं, ठीक है। निरीग्रथा यानी कि जो हर बंधनों से मुक्त है, यानी कि जिसको कैवल्य प्राप्त हुआ वो किसी बंधनों में नहीं है, वो किसी का ना भाई है, ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना कोई किसी का मित्र है, ठीक है। अरहंत का मतलब होता है ब्लेस्ड वन, जिसको प्राप्ति हो गई, ऊपर वाले का आशीर्वाद आ गया और उसको सब कुछ नॉलेज हो गई, अल्टीमेट नॉलेज ऑफ ट्रुथ उसको मिल गई। महावीर यानी बहुत ही ब्रेव, उनके फॉलोवर जिसका नाम था, इनके फॉलोवर का नाम पड़ा जैन अनुयायी को, महावीर के जो फॉलोवर थे, यहाँ से जैनिज्म का इवोल्यूशन हुआ। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एज पावा नाम की जगह पे इन्होंने 11 शिष्यों को जो है सबसे पहले अपना नॉलेज का शेयर किया। ही फाउंडेड जैन संघ की इन्होंने स्थापना की, ठीक है, और 72 साल की उम्र में 468 BC में इनकी पावापुरी में मृत्यु हो गई। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। यानी कि जैनिज्म देखो बिहार से निकला, बिहार में खत्म हो गया, लेकिन आज के टाइम पे आप बिहार में जाओगे ढूंढने तो जैन लोग नहीं मिलेंगे, जैन समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे गुजरात में। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैन लोग ये कहते हैं कि जो जीव हत्या है वो पाप है, अगर आप जीव हत्या कर रहे हो तो आपके पाप चढ़ रहा है और आप कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन बिहार का जो समाज है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर आप करोगे, हल चलाओगे, जीव मरेगा छोटा छोटा तो कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि जैनिज्म में एग्रीकल्चर वगैरह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यानी कि जैन किसको सपोर्ट करते हैं? जैन कहते हैं कि आप ट्रेड वगैरह करो, व्यापारी, जैन समुदाय के लोग आपको व्यापारी ज़्यादा मिलेंगे, खेती करने वाले नहीं मिलेंगे। और व्यापारी समुदाय बसता है ज़्यादातर गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो जैन समुदाय के लोग आपको मिलेंगे ज़्यादातर व्यापारी समाज के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। डॉक्ट्रिन क्या है? त्रिरत्ना, तीन जेम है कैवल्य प्राप्त करने के। इन्होंने तीन तरीका इन्होंने बता दिया। तीन तरीका क्या क्या है? सांख्य श्रद्धा यानी राइट फेथ, आप अपने तीर्थंकार में विश्वास रखिए। राइट नॉलेज यानी आपको सही नॉलेज प्राप्ति रहे जैनिज्म के बारे में, ठीक है, और आपका आचरण अगर सही है, राइट प्रैक्टिस ऑफ जैनिज्म, जो वो हैं जो
जो आठ पांच जो है कस्मे हैं जैनिज्म की, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कंडक्ट को सही माना जाएगा। कैसे कैसे कंडक्ट हैं? अहिंसा, किसी को हानि ना पहुंचाओ, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलो, अस्त्य कभी कोई चीज़ चुराओ ना, अपरिग्रह कोई चीज़ रखना वखना नहीं है, यानी कि जो जैन बोल रहे हैं ना कि हम जैन फॉलो करते हैं पैसे के पीछे भागते हैं, वो जैनिज्म को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चौथी तीसरी वो जो है तोड़ रहे हैं अपरिग्रह वाली। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, फर्स्ट फोर वो लेड डाउन बाई पार्श्वनाथ, शुरुआत की जो चार वो हैं, चार कस्में हैं जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने बनाई है, और पांचवी जो वो है, पांचवा जो नियम है वो महावीर ने दिया है, उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, पांच इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज है, नॉलेज को पाने के पांच तरीके हैं। ठीक है, देयर आर फाइव इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ चला गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। ठीक है, शायदवाद, नॉलेज ऑफ मे बी और परहैप्स, शायदवाद जैसे उसमें थी थ्योरी ऑफ वो प्रतीत समुत्पादा, बुद्धिज्म में थ्योरी थी। ठीक है, प्रतीत समुत्पादा का मतलब क्या है, जो आप आज हो वो आप अलग हो अपने कल से, और जो आप कल होगे वो भी अलग हो, यानी कि हर वक्त आदमी चेंज हो रहा है, वो गाना है ना, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। ठीक है, वही वाला कहानी है बुद्धिज्म में। जैनिज्म में क्या है, शायदवाद है, कन्फर्मिटी नहीं है किसी चीज़ की, मे बी मे नॉट बी। ठीक है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, इस थ्योरी को शायदवाद कहते हैं, और ये बुद्धिज्म जैनिज्म का बेस है। ऑल आवर जजमेंट आर नेसेसरी रिलेटिव। ठीक है, किसी भी किसी दिशा से देखा जाए, जैसे कि किसी को मारना गलत है, टेररिस्ट को मारना लेकिन सही है, अगर नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा। ठीक है, तो रिलेटिव हो गया, चीज़ें रिलेटिव हो गया, जान लेना गलत है लेकिन टेररिस्ट को मारना सही है, क्योंकि अगर आप नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा, वो टेरर फैलाएगा, जान ले लेगा। ठीक है, तो इन्होंने यही इसी चीज़ को इन्होंने बेस कहा, शायदवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिव, शायदवाद, मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, तो जब मामला है कि शायदवाद का, तो प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, तो ठीक है, तो प्रभु की खोज में तो निकलना ही नहीं है कि बिल्कुल ईश्वर की खोज में निकल गए, आप अपने आचरण को सही कर लो, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये जैनिज्म का मेन कोर है। अकॉर्डिंग टू शायदवाद, सेवन मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन सप्तभंगी आर पॉसिबल, एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट निगेशन बोथ आर रॉन्ग। पूरी तरीके से किसी को नकारा नहीं जा सकता है और पूरी तरीके से किसी को स्वीकारा नहीं जा सकता है। सूरज अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी दे रहा है, लेकिन अगर आप मुंह उठा के किसी स्पेसशिप पे बैठ के चले जाओ तो सूरज आपको जला भी देगा, यानी सूरज बुरा हो गया ना। तो कोई चीज़ पूरी तरीके से ना अच्छी है ना पूरी तरीके से बुरी है, ये जैनिज्म का कोर है। ऑल जजमेंट आर कंडीशनल, एक कंडीशन एक कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए उसी कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें सही या गलत के पैमाने पे तौली जाएंगी, पूरी तरीके से कोई चीज़ सही या पूरी तरीके से कोई चीज़ गलत नहीं है। ठीक है, शायदवाद इज ऑल्सो नोन एज अनेकवाद, अनेकवाद थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एथिक्स के पेपर में, जब पेपर फोर आप पढ़ोगे अपने पेपर के लिए, तो आपको बहुत ढेर सारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं उसमें भी आपको मिलेगा, जैसे थ्योरी ऑफ वर्च्यू हो गया, एक वर्च्यू सही नहीं है, ये भी वर्च्यू सही है, करेज भी हो सकता है, राइट अमाउंट ऑफ करेज होना चाहिए, जैसे सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ वर्च्यू जिसने दिया, राइट अमाउंट ऑफ वर्च्यू, राइट अमाउंट ऑफ करेज होना चाहिए, या बेंथम की फिलॉसफी है, बेंथम ने क्या कहा बेटा, बेंथम ने क्या कहा कि एक्शन सही है गलत है नहीं, उसके आउटकम से पता चलेगा कि वो एक्शन सही है कि गलत है। हो सकता है किसी को मार देना आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, मार देना किसी के लिए बेनिफिशियल, अगर चोर है चोरी करने आया है और अगर नहीं मारोगे तो पूरे के पूरे घर वालों को मार देगा, तो वो उसका आपका आपको उसको मार देना सही है। लेकिन अगर आप ये सिर्फ कहो कि एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया तो आपका एक्शन गलत माना जाएगा, लेकिन आप उसी में ये जोड़ दो कि जो जिसने मारा वो आदमी जो है अपने घर को बचा रहा था, अपने घर के अपने बीवी बच्चों को बचाते हुए एक चोर को मार दिया, तो आपका एक्शन जस्टिफाई हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है शायदवाद में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एज प्रीच्ड बाय महावीरा, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेद। अब देखो, मैंने कहा था ना जैनिज्म तब निकला जब गड़बड़ हो रखा था उस तरफ में, मामला जो है उस तरफ में गड़बड़ हो रखा था,
ठीक है, तब जैनिज्म निकला है। ठीक है, उसके बाद तीन काउंसिलें हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तीन काउंसिलें हुई हैं, इसमें दो ही काउंसिल दिया हुआ है, एक काउंसिल बेटा मैं और बाद में ऐड कर दूंगा। बेसिकली जैन की, अच्छा दो ही काउंसिल हुई है बेसिकली, एक 300 BC में, एक 512 AD में। पहली काउंसिल हुई पाटलिपुत्रा में, पुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य उसके संरक्षक थे, और इसमें 12 अंग जो मेन 12 इनके जो टॉपिक्स हैं उसका कंपाइलेशन माना गया, बनाया गया। ठीक है, जो मेन जो है ये हुआ है। जो दूसरी काउंसिल हुई है वो वल्लभी में हुई है। ठीक है, इसमें 12 अंग और 12 उपंग बनाए गए। ठीक है, जैन लिटरेचर आप देख लो। ठीक है, जैन लिटरेचर, सेक्रेट लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रकृति। जैसे बुद्धिज्म लिखा गया पाली में, बुद्धिज्म था पाली में, डिफरेंस आप समझो, डिफरेंस दोनों में है, बुद्धिज्म वॉज इन पाली और जैनिज्म वॉज इन प्रकृति, बोथ वेयर वर्नाकुलर लैंग्वेज, देहाती भाषा, लोकल भाषा, ग्रामीण भाषा कहा गया। संस्कृत, जो उस टाइम वेद थे वो संस्कृत में थे, जो पुराण थे वो संस्कृत में थे। ठीक है, लेकिन ये धर्म था, आम लोगों का धर्म था, आम लोगों का धर्म, आम लोगों की लैंग्वेज, आम लोगों की लैंग्वेज प्रकृति और पाली, पाली में बुद्धिज्म, जैनिज्म है प्रकृति में, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कार्ड अर्धमगधी, मगध की लैंग्वेज थी, अर्धमगधी भी उसको कहते थे, मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, 12 अंग थे और 12 उपंग हैं जैनिज्म के पवित्र चैप्टर में, चैप्टर जो इनका जो मेन वो है, कॉन्सेप्ट है, बाकी छोटे छोटे अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 14 पुर्वाद है, 14 पुर्वाद, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीर प्रीचिंग, जो महावीर की प्रीचिंग है उनको कलेक्शन को पुर्वाद कहते थे। बिसाइड दिस इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट आर कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। अच्छा, ये क्वेश्चन ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको बताता चलूंगा कि एग्जाम में आ सकता है क्या, नहीं आने के चांसेस है, नहीं तो कुछ नहीं कह सकता, जो आ चुका है या आ सकता है उसके ऊपर ज्यादा बोला जा सकता है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र लिखा किसने, भद्रबाहु में, और भद्रबाहु चरित्र भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जैनिज्म का। और ये पृष्ठ परिशिष्ट पर्वन एंड अपेंडिक्स ऑफ ये पुरुषा त्रि शास्त्री कला, बड़ा ही डिफिकल्ट नेम है, मुँह से निकलना ही मुश्किल हो रहा है, बताऊँ एग्जाम वाले, लेकिन फिर भी पूछ सकता है बेटा। ठीक है, सेक्ट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म में अलग अलग सेक्ट आए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म का इवोल्यूशन को भी आपका समझना ज़रूरी है कि जैनिज्म में किस तरीके से, जैसे कि बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ था महायान और हीनयान का, इसमें कौन सा, इसमें भी दो तरीके का डिवीजन हुआ था। ठीक है, 293 BC में देयर वाज अ सीरियस फेमाइन इन मगध, 298 BC में मगध जहाँ पे ये धर्म पल फूल रहा था वहाँ पे एक वो हो गया, फेमाइन आ गया, अकाल आ गया। ठीक है, लीडिंग टू ग्रेट एक्सोडस ऑफ मैनी जैन मॉन्क टू डेक्कन एंड साउथ। अब अकाल आ गया तो बहुत ढेर सारे जैन भिक्षु जो हैं वो साउथ की तरफ चले गए। ठीक है, तो स्वर्ण बेल गोला अलोंग विद भद्रबाहु, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोग चले गए उस साउथ की दिशा में, क्योंकि इन्होंने कहा हमारा गुजारा यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और जो रह गए वो रह गए स्थूल बाहु से के साथ में, स्थूल बाहु के साथ में वो लोग रह गए, और जो चले गए वो थे भद्रबाहु के साथ में। जो लोग चले गए बेटा वो रह गए भद्रबाहु के साथ में, और जो रह गए वो थे स्थूल बाहु के साथ में। When the giants भद्रबाहु एंड अदर returns फ्रॉम द साउथ दे held a complete nudity टू बी essential पार्ट ऑफ टीचिंग ऑफ महावीर। अब देखो मामला ये था कि यहाँ पे अकाल आ गया तो जो स्थूल बाहु थे वो यहीं पे रुक के रह गए और जो भद्रबाहु थे वो चले गए। अब जो चले गए वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो गांव जंगल में रह गए और फल फ्रूट खाया, लेकिन हम लोग ने जैनिज्म की जो कस्में हैं वो नहीं तोड़ी। ठीक है, और कम्प्लीटली जो है वो लोग ने अपना कपड़ा वपड़ा त्याग दिया, तो जैन समाज के जो वो वाला है सेक्ट है जो भद्रबाहु के साथ का है और भद्रबाहु की लीडरशिप में जो गया वो कपड़े नहीं पहनता है, और जो स्थूल बाहु है जो नहीं गए जो वहीं पर रह गए, ठीक है,
उनको इन्होंने कहा कि तुम लोग ने अच्छे तरीके से जैनिज्म का कर्तव्य नहीं निभाया, क्योंकि ये लोग कपड़े वगैरह पहनते थे और वो लोग सफ़ेद कपड़ा पहनने लगे थे। तो दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। जो स्थूलबाहु हैं वो वाइट कपड़ा पहनते हैं, और जो भद्रबाहु के साथ में है वो कंप्लीट न्यूडिटी फॉलो करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। दस अरोस टू सेक्ट, श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, श्वेत यानी सफ़ेद कपड़ा, और दिगंबर यानी अंबर, उनका उनके लिए कपड़ा ज़रूरी नहीं है, उनके लिए आसमान अंबर, आसमान ही उनका कपड़ा है, नंगे रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जन्म मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हुआ। दो पंथ हैं जैनिज्म में, श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्धिज्म में दो पंथ हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। जो श्वेतांबर हैं वो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और स्थूल बाहु के साथ में हैं, और जो दिगंबर हैं, जो कहते हैं हम आसमान को ही अपना कपड़ा मानते हैं, ये नग्न अवस्था में रहते हैं और ये भद्रबाहु को अपना वो मानते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल ऑफ जैन आर्किटेक्चर, जैन के अलग अलग आर्किटेक्चर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे गुफास है, गुफास यानी केव है हाथी गुफा, और उदयगिरी की गुफा काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफा है, और खंडगिरी की गुफा है उड़ीसा में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट गुफा है, ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ये गुफा का नाम दे दिया और पूछा कौन से स्टेट में है, या गुफा का नाम दे दिया बोला ये कौन से धर्म से जुड़ी हुई है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म या ब्राह्मणिज्म, या इस तरीके का कोई एग्जांपल दे दिया। दिलवाड़ा टेम्पल इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है टेम्पल, और भी है, गिरनार है, पलटना है, गुजरात में है, बाकी और टेम्पल है, पावापुरी टेम्पल है, और राजगिरा टेम्पल है बिहार में, ठीक है। और स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा है बाहुबली, बहुत बड़ा सा स्टैचू है, आपने देखा होगा बाहुबली स्टैचू, आप सर्च करना, फेमस स्टैचू है, कर्नाटका में पाया जाता है ये। और अलग अलग पैटर्न्स के नाम देख लिया जाए, कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने इनको जैन के भिक्षुओं को, जैन मॉन्क्स को पैसा ऐसा दे के इनका संरक्षण दिया, इनको सहारा दिया। नॉर्थ में नंदा, बिंबसार, अजाशत्रु, उड़ाइन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैनिज्म का साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अशोक आया वो बुद्ध का साथ किया, ठीक है। अच्छा ये भी देखो, जो जितना बड़ा राजा उसका धर्म उतना ही बड़ा हो गया, अशोक और महान था इसलिए बुद्धिज्म और महान हो गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज़्यादा महान था अशोका द ग्रेट। साउथ में गंगा डिनास्टी, कादंबा डिनास्टी, सिद्धराज जय डिनास्टी, कुमारपाला, चालुक्य, सोनांकी, लास्ट ग्रेट पैटर्न ऑफ जैनिज्म, अमोघवर्षा, राष्ट्रकूटा डिनास्टी ने भी जैन को सपोर्ट किया। फिलहाल इस वीडियो में ये कंप्लीट वीडियो है जैन के ऊपर, इससे बाहर बेटा क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता 95% आपके क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएंगे। प्यार से आप बार बार इसको वीडियो को देखो, रिवाइज करोगे और किसी का आप नोट्स बना लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पलट के लास्ट ईयर के 10-20 साल के क्वेश्चन पलट के देख डालना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आपके अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा मौर्य डिनास्टी को, ठीक है। थैंक यू।